नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। जी हां, इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। फिरोजाबाद में कांग्रेसियों द्वारा पंडित हर्ष कुमार तिवारी की स्मृति पर आज फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में फल वितरण किए गए। जी हां, जिला अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं उनको बेड टू बेड जाकर फल वितरण किए। पंडित हर्ष कुमार तिवारी अपने युवा समय से ही कांग्रेस में वरिष्ठ नेता के रूप में कार्य हैं। जी हां, इस फल वितरण में हर्ष कुमार तिवारी के पुत्र हरिशंकर तिवारी, प्रशांत तिवारी द्वारा जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किए गए। फिरोजाबाद से शिव पंडित की रिपोर्ट। पंडित हर्ष कुमार तिवारी जी की स्मृति दिवस के अवसर पर उनका स्मरण करते हुए SN हॉस्पिटल सरोजिनी नायडू हॉस्पिटल में मरीजों के बीच में फल वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं। पंडित हर्ष कुमार तिवारी युवा अवस्था से ही समाज से भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने गरीब निर्बल कमजोर वर्ग के लोगों को हमेशा सहायता करने के लिए, सहयोग करने के लिए संकल्पित रहते थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं का स्मरण करते हुए उनके पुत्र हरिशंकर तिवारी, प्रशांत तिवारी और संयुक्त रूप से उनके समस्त अनुयायी, उनकी विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिसमें सभी मरीजों तक फल वितरण कर उनके स्वस्थ होने की कामना करेंगे। आज फल वितरण का कार्यक्रम किया गया है जी। आज का फल वितरण कार्यक्रम इस जनपद के वरिष्ठ समाज सेवी और मेरे राजनीतिक गुरु रहे स्वर्गीय श्री पंडित हर्ष कुमार तिवारी जी की पुण्य स्मृति में किया गया है। हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे थे कि इस जनपद में राजनीतिक रूप से बहुत से लोग सक्रिय थे, मगर जिस तरह से पंडित हर्ष कुमार तिवारी जी ने दबिए कुचलों और मजदूर वर्ग के लोगों को उनकी आवाज़ बनकर उनकी समस्याओं का समाधान, उनके लिए संघर्ष और उनके लिए जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया, निश्चय ही वो सराहनीय है। और हम समस्त अनुयायी आज के दिन 26 अगस्त को प्रतिवर्ष उनकी पुण्य स्मृति को धूमधाम से मनाते हुए और उनके स्मृति में जिला अस्पताल में फल वितरण का प्रतिवर्ष का आयोजन ये हम लोग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।